हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एडिट ऐप आई एम तनुश्री सो फाइनली हम आपके लिए लेकर आए हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो द मोस्ट अवेटेड वीडियो विच इज़ ऑफ द एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है नबार्ड फेस वन एग्जामिनेशन की ऑलरेडी आप हमारे चैनल पर नॉन मेरिट सेक्शन का ब्रीफ एनालिसिस और मेरिट सेक्शन का डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो ऑलरेडी देख चुके हैं और मुझे अंदाजा है कि आपने अपने स्कोर्स भी अभी तक कैलकुलेट कर लिए होंगे तो इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रहने वाली है सेक्शनल कट ऑफ क्या होगी ओवरऑल कट ऑफ क्या होगी राइट right? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये रहने वाला है स्टूडेंट्स uh, मैं इस वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी और वो ये कि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं ये जो प्रिडिक्शंस हैं ये बेस्ड है हमारे सैम्पल साइज के ऊपर इस सैम्पल साइज के अंदर आते हैं एडिटैप के स्टूडेंट्स जो इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं प्लस हमारे फैकल्टीज जो इस एग्जाम में अपीयर हुए हैं इन सब इनपुट्स के बेसिस पर हम ये प्रिडिक्शंस आज करने वाले हैं आप सबके साथ सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड सो स्टूडेंट्स सबसे पहले आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड अगर बात की जाए क्वांट की तो क्वेश्चंस हमारे बिल्कुल एक्सपेक्टेड uh, ट्रेंड पे थे एक्सपेक्टेड लाइन पे थे सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज अगर ये बेसिक चैप्टर्स uh, भी किसी ने कवर किए हैं बेसिक टॉपिक्स भी अगर किसी ने कवर किए हैं तो क्वांट के सेक्शन कट ऑफ उनके लिए कोई एक मेजर uh, इशू नहीं होने वाला है ठीक है सो अगर हम क्वांट की बात करें तो यहाँ कहीं ना कहीं सेक्शन कट ऑफ जो है हमारी वो थ्री टू फोर मार्क्स रहने वाली है ठीक है उसके बाद में आती है रीजनिंग एबिलिटी एबिलिटी इस साल जो हमें इनपुट्स मिले हैं उसके अकॉर्डिंग थोड़ी सी टफ थी सिटिंग अरेंजमेंट्स और पजल्स के क्वेश्चन थोड़े ज्यादा थे एज कम्पेयर टू द अदर टॉपिक्स बट स्टिल स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इनकोलिटीज uh, की या फिर uh, हम बात करें ब्लड रिलेशन की तो स्टिल उनका नंबर इन टॉपिक्स से आने वाले क्वेश्चन का नंबर इतना था एक अच्छी प्रपोर्शन में था कि आप सेक्शल कट ऑफ तो कंफर्टेबली तो क्लियर कर सकें ठीक है uh, यहाँ पर बात इस चीज पर आती है कि किस स्टूडेंट ने अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हुए और समझदारी से क्वेश्चन चूज किया है ठीक है तो अगर हम बात करें रीजनिंग एबिलिटी की तो यहां पर जो हमारी कट ऑफ है वो टू पॉइंट फाइव टू फोर मार्क्स के बीच में रहने वाली है उसके बाद में आता है इंग्लिश लैंग्वेज तो स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज नॉन मेरिट सेक्शन का वो एक कंपोनेंट है जिसकी कट ऑफ ट्रेडिशनली बहुत हाई ही रहती आई है ठीक है uh, मतलब एक अच्छे खासे लेवल पर हमारी कट ऑफ होती है और अगर हम इस साल के पेपर की बात करें तो अगेन एग्जाम अगेन द क्वेश्चन कोई सरप्राइज एलिमेंट वहाँ नहीं था सिमिलर पैटर्न सिमिलर लाइन्स पे हमारे क्वेश्चन थे तो अगर हम इंग्लिश के कट ऑफ की बात करें सो इट इज गोइंग टू बी अराउंड टेन पॉइंट फाइव टू ट्वेल्व मार्क्स उसके बाद में आता है कंप्यूटर नॉलेज तो स्टूडेंट्स अगैन कंप्यूटर नॉलेज में जो भी आपके साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने शेयर करे थे आ, बी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बीट सॉफ्टवेयर बीट इंटरनेट एंड सिक्योरिटी तो हमारे जो टॉपिक्स uh, थे हमारे जो क्वेश्चन थे वो इन्हीं टॉपिक्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहे थे तो अगर आपने इन बेसिक टॉपिक्स को भी अच्छे से प्रिपेयर किया है तो कंप्यूटर uh, की सेक्शनल कट ऑफ जो है वो आपके लिए एक इशू नहीं होगी तो अगर हम कंप्यूटर की सेक्शनल कट ऑफ की बात करें तो इट इज़ गोइंग टू बी अराउंड टू पॉइंट फाइव टू फोर मार्क्स उसके बाद में आता है डिसीजन मेकिंग डिसीजन मेकिंग के अंदर जो सर से मुझे इनपुट्स मिले हैं उनके अकॉर्डिंग अगर किसी स्टूडेंट ने मैराथन सेशन को भी शिद्दत से किया है तो भी वो इस एग्जाम को इस सेक्शनल कट ऑफ को बहुत इजीली कवर कर लेगा क्लियर uh, कर लेगा uh, कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट अगेन डिसीजन मेकिंग में हमें देखने को नहीं मिला वही हमारे बेसिक टॉपिक्स uh, जो थे बी इट बेसिक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग बी एट अप्रोचेज एंड मॉडल्स ऑफ डिसीजन मेकिंग इन्हीं सब टॉपिक्स के अराउंड हमारे क्वेश्चन रिवॉल्व कर रहे थे तो अगर बात की जाए डिसीजन मेकिंग की अगेन हमारी जो एक्सपेक्टेड सेक्शनल कट ऑफ है वो रहेगी 2 to 3 marks ये तो हो गई हमारा पूरा एक्सपेक्टेड कट ऑफ का अनालिसिस एज फार एज नॉन मेरिट सेक्शन इज कंसर्न अब हम आते हैं मेरिट सेक्शन के ऊपर मेरिट सेक्शन के अंदर आता है एआरडी एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट सबसे पहले अगेन स्टूडेंट्स एआरडी के क्वेश्चन का जहां तक मुझे इनपुट्स मिले हैं जो हमारी बात हुई है हमारे स्टूडेंट से तो उनका कहना था कि मैम कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो थोड़े कोर uh, एग्रीकल्चर या थोड़ा इन डेप्थ आए थे ठीक है बट स्टिल ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ईजिली डूएबल थे जो कि कवर कराए गए थे हमारे कोर्स के अंदर या हमारे शामली मैम ने जो यूट्यूब सीरीज़ ली है जो मैराथन सीरीज़ ली है ठीक है डिटेल एनालिसिस भी मैम ने आपके साथ इस चीज़ का शेयर किया है तो ए के क्वेश्चंस भी कुछ बहुत ज़्यादा सरप्राइज एलिमेंट वहाँ नहीं था कुछ बहुत ज़्यादा शॉकिंग वहाँ नहीं था तो अगर हम ए की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारी सेक्शनल कट ऑफ फोर टू सिक्स मार्क्स जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि रहेगी उसके बाद उसके बाद उसके बाद आते हैं दो ऐसे कॉम्पोनेंट्स जिन्होंने सबकी हार्ट रेट्स बढ़ा रखी हैं स्पेशली जी जीए एक ऐसा कॉम्पोनेंट था जिसने आज सबको शॉक करके रख दिया स्टूडेंट्स को ही नहीं हम फैकल्टीज को भी तो uh, इस को uh, आप लोगों के 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 साथ साथ डिस्कस करने के लिए नाउ आई वुड लाइक टू कॉल गुरकीरत सर वो आएंगे और आपको डिटेल में बताएंगे एक अच्छे के साथ बताएंगे अच्छे एनालिसिस कि हमारी जीए uh, रहने वाली है प्रीवियस Okay, because you can see the previous year cut-offs here for डी एव एज डिस्कस क्यू आर ई एंड नॉन मेड सी इज ऑलरेडी डिस्कस सबसे पहले ई एस आई पार्ट है ऑब्वियसली आई वेज सॉ दट ई एस पार्ट ईस पेपर दिस वॉज ऑन द सेम लाइन विच इज फ्रॉम द प्रीवियस ईयर आई विड नॉट सी इट्स अ डिफिकल्ट पेपर आई विड नॉट सी ईजी पेपर बिकॉज अगर आपने बहुत अच्छा तरह से पढ़ा हुआ है तो यार आपके लिए पेपर ईजी होगा आपने अच्छी तरह नहीं पढ़ा तो वो मॉडरेट होगा कुछ चीज़ें ऐसी आई हैं जैसे कि मैं बोल कुछ क्वेश्चन आर के वेबसाइट से आए हैं या आर बी रेगुलेशन से आए हैं नहीं पढ़ी तो वो मुश्किल है तो वो छोड़ भी दे सकते थे क्वेश्चन बट यहाँ पे हम लोग ये नहीं डिस्कस कर रहे कि हर बच्चे ने 40 में से कितने नंबर लिए होंगे यहाँ पे डिस्कशन जो हो रहा है कि मिनिमम कट ऑफ क्या जा सकता है अगर आप ट्रेंड देख रहे हो यार तो देखो यहाँ पे 4.5 टू 3.5 या फिर 2.25 सबसे कम जो थी कट ऑफ गई थी ए आई की तो इफ आर टॉक अबाउट द पेपर वाज ऑन द सिमिलर ट्रेंड

रहेगा हायर साइड कुड भी इन द रेंज ऑफ फोर पॉइंट फाइव बट लोअर एंड साइड एटकुट इन द रेंज ऑफ थ्री पॉइंट फाइव ओनली अब बहुत बच्चे बोलेंगे सर नहीं नहीं पाँच भी हो सकता है छह भी हो सकता है बट नहीं आया आप ओवरऑल देखोगे पिछले साल का पेपर भी इसी ट्रेंड पर आया था हमें था बहुत कट ऑफ गिरेगा बट नहीं गिरा तो वही सेम ट्रेंड पे ई एस है कट ऑफ अब आते हैं जी आपकी जो सबसे ज़्यादा जो मैसेज मैं आपने बोला जिसने आपकी धड़कने बहुत ज़्यादा बढ़ाई आज के एग्जाम में बहुत बच्चों को गुस्सा भी आ गया इस चीज़ को देखे कि नाबार्ड ने क्या किया हमारे साथ ये क्या कर रहा है नाबार्ड क्या चाहता है नाबार्ड हमसे

कंसीडरिंग दिस दिस इज पेपर आई नो द फाइनानस क्वेश्चन विच मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हुआ कोरली जो कोर नाबार्ड एक्सपीरियंट्स हैं उन्होंने नहीं पढ़े होंगे बहुत क्वेश्चन थोड़े से अनएक्सपेक्टेड लाइन पे आए थे कुछ क्वेश्चन जीए की एस ए में पूछ लिए गए थे सो कंसिडरिंग ऑल दैट थिंग आई वुड से जी ए कट ऑफ क्या होना चाहिए जीए कट ऑफ देखो यार मैं यहाँ पे बोलूँ तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा कम होगा बट आई वुड नॉट से बहुत बच्चे बोले सर एक नंबर कट ऑफ हो जाएगा या 1.5 हो जाएगा वो नहीं होगा यार बिकॉज़ कुछ ना कुछ तो आपने ऐसा भी नहीं था कि आप कुछ क्वेश्चन कर ही नहीं पाए थे सिलेक्टिव होना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल था तो जो सिलेक्टिव हुए होंगे आई वुड से द कट ऑफ ऑफ टू पॉइंट फाइव टू थ्री हायर साइड फाइव लोअर साइड इट विल बी टू पॉइंट फाइव हियर नाउ आई वुड ऑल्सो रिक्वेस्ट तनुषी मैम हियर टू लेट्स टॉक अबाउट दी इंपॉर्टेंट थिंग दट यूर ऑल वेटिंग दट इज दल कट ऑफ क्या जाएगा सो मैम आई वुस्ट यू ऑल्सो टू कम हेयर देखिए ओवरऑल कट ऑफ की अगर हम बात करें जैसे मैं और तनुश्री मैम अभी डिस्कस कर रहे थे कि सर हमें क्या लग रहा है ओवरऑल कट ऑफ जाएगा और जो मैम ने पैरामीटर्स आपके साथ डिस्कस किए वही पैरामीटर है देखिए एक तो प्रीवियस ईयर का पैरामीटर ऑब्वियसली कंसीडिंग टू दैट पार्ट वैकेंसीज इज़ जो सेकेंड पार्ट था हमने डिस्कस किया थर्ड वाज के स्टूडेंट से जो हमारे खुद के फैकल्टीज हैं क्या फीडबैक मिला ऑब्वियसली जीए डिफ़िकल्ट है तो यार हम सब बोल रहे हैं जीए डिफ़िकल्ट है बट इतना भी नहीं है कि यार मैं बोलूँ आप किसी के जीए के दो क्वेश्चन भी नहीं हुए होंगे इतना भी नहीं है ना देखो आप मैं आपको झूठ बोल दो कि नहीं सर जीए में तो सब बच्चे ने एक ही क्वेश्चन किया होगा ऐसा नहीं है ना तो वो तो मैम भी एग्री कर रहे हैं कि मुश्किल है हम मान रहे हैं बट ऐसा भी नहीं कि एक नंबर किया होगा आपने अब आते हैं ओवरऑल के ऊपर कि ओवरऑल क्या रेंज हमें लग रही है सो ओवरऑल इफ आई टॉक अबाउट ग इन दिस पेपर वट वी बेस्ड ऑन द सैंपल साइज दैट वी ऑन द फीस गॉट इज हमारे हिसाब से कट ऑफ का रेंज होना चाहिए फोर्टी थ्री टू फोर्टी नाइन मार्क्स दिस इज द कट ऑफ प्रिडिक्शन दैट वी आर प्रिडिक्टिंग अगर पेपर में कट ऑफ थोड़ा सा डिप होता है कंसीडरिंग के जीए का पेपर टफ है तो हमें लग रहा है कि उस डिप के कारण हो सकता है आपकी कट ऑफ के आसपास आ जाए ओवरऑल yes. बट क्योंकि यार सीट्स कम है तो हो सकता है फोर्टी भी देखने को मिल जाए हो सकता है थोड़ी सी बढ़ भी जाए सो so, हमारे हिसाब से ये एक रेंज होनी चाहिए इफ यू आर इन दिस रेंज मैं आपको ये देख फिर बोल रहा हूँ सैंपल साइज बहुत छोटा है तो प्लीज नोट डाउन दिस नंबर द सैंपल साइज इज वेरी स्मॉल अगर आपके फोर्टी टू आ रहे हैं हो सकता है आप वो स्टूडेंट जो फॉर्टी टू में भी क्लियर कर लो और हो सकता है आप वो स्टूडेंट भी वन से जिसके फिफ्टी मार्क्स आए और आप बड़े आराम से सो गए गे गुकिर सर और तनुश्री तो में आपने फोर्टी नाइन नंबर बोले हैं मेरे फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव आ गए मैं तो रिलैक्स हूँ हम ये बोल रहे हैं कि हाँ आपको रिलैक्स होना चाहिए अगर आप थोड़ा सा फोर्टी सिक्स या फोर्टी सेवन प्लस स्कोर कर रहे हो वी वुड से दैट यू शुड बी भी रिलैक्सिंग मोड बट या वी नेवर नो क्या कट होगा बट हमारे हिसाब से ये एक सेफ रेंज है इफ यूर स्कोरिंग इन दैट बिटवीन दैट इज वट वी आर एक्सपेक्टिंग दैट वुड बी द कट ऑफ योर और हर एक चीज़ अब आपको भी करनी है डो लेट अस नो अबाउट योर कट ऑफ ऑल्सो बट यू एक्सपेक्ट दैट वुड बी द कट ऑफ इन दिस एग्जामिनेशन क्योंकि हमने अपना सैंपल साइज सबसे डिस्कस किया आप सबके भी कोई ना कोई सैंपल साइज आप खुद पेपर दे के आए आपको क्या लग रहा है क्या कट ऑफ जाएगा एंड दै लेट सी कौन जीतता है यहाँ पर क्योंकि जीतने हारने की बात नहीं लेट सी किसका प्रिडिक्शन सही होता है बिकॉज वी वॉन्ट दैट इफ यू हैव डन योर बेस्ट यू हैव डिलीवर्ड योर बेस्ट You should go into the phase two, the phase two of the NABAT examination. Yes. So, on that note, we wish you all the best and we would be ending the session. So, ma'am will be ending the session. यस सो ऑल राइट स्टूडेंट्स अब हमने आपके साथ एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है वो भी यहाँ पर शेयर किया है 43 थ्री टू फोर्टी नाइन मार्क्स सो अगर आप इस रेंज में फॉल करते हैं देन अगेन वी विल सजेस्ट यू कि फेस टू लिखने की एक अपॉर्चुनिटी आपके पास हो सकती है एंड ट्रस्ट मी स्टूडेंट्स इट इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी इस वक्त अगर आप फोर्टी थ्री स्कोर करें तो हताश मत हो जाइए कि यार थोड़ा कम आ रहा है कि फे टू की तैयारी करो या ना करूँ आप प्लीज़ अपने फ़ेज़ टू की तैयारी को आ, स्टार्ट कर दीजिए क्योंकि अगर आपने टेन टू फिफ्टीन डेज में हमारा रिजल्ट आ जाएगा अगर आपका एग्जाम uh, क्लियर हो जाता है फेस वन क्लियर हो जाता है और अगर आपने फेस टू के लिए प्रिपेयर नहीं किया ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू रिग्रेट दिस अ लॉट ठीक है ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इफ़ यू आर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग और इफ़ यू आर गेटिंग एनी वेयर अराउंड द रेंज प्लीज़ स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर फेस टू एग्जामिनेशन अब आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगी ये होगा वो होगा जो भी डिस्कशन था जो भी एनालिसिस था आज के दिन में हमने आपके साथ पूरा एनालिसिस शेयर किया है अब आप तसल्ली से अपने जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं वो कमेंट सेक्शन में लिखिए और उसके बाद में अपने फेस टू की तैयारी शुरू कर दीजिए अगर आप इस कट ऑफ के आसपास भी कहीं हैं तो ठीक है सो दैट इज़ आर रिकमेंडेशन सो ऑन दिस नोट वी टेक अ लीव फ्रॉम यू ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर बींग देयर